जी बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबशर साहब, क्या हाल चाल आपका? अल्लाह का करम, आप सुनाए बिलाल साहब। मैंने सवाल करना था कि जो एक एंकर है, आप लोगों की सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, आपने 4-4 गाड़ियां रखी होती है, ये कहाँ से आती है? पहली बात है, किस एंकर ने? एक मिनट मेरी बात सुने, मैं आपको बता। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक बात मिलना चाहिए ना। पहली बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल साहब, आप साथ रहेंगे कि मैं वैसे ही बता दूं? बट थैंक यू। पहली बात तो यह है कि एंकर की 1.5 लाख नहीं होती तनख्वाह, प्लीज़ अपने फिगर्स करेक्ट करें, और अल्लाह ना करे कि हो। दूसरी बात आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि रगड़ा उसको लगेगा जो अवाम का पैसा लूट कर और चोरी करके वो करे, जो आदमी जायज़ कमाएगा और उसका टैक्स भी देगा और ख़ुद वही मुश्किलात का शिकार होगा जिसका आप शिकार हैं, चाहे वो थोड़ी सेंस में चाहे बड़ी सेंस में, उसको नहीं आप कर सकते। आप उसको कर सकते हैं कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है हुकूमत करने की, और वो वहाँ पे ठेके करके और वो पैसे खा जाता है। लोगों को ये फ़र्क आज तक समझ नहीं आया रजा साहब। बाय द वे मैं समझ रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से हमारी गाड़ियों के कमेंट में फ़ौरन रिएक्शन भी आ गया है, वैसे टीवी का ही कमाल है। ये हो सकता है सरकारी डीसी हो या आपकी जो कहते हैं ना, आपका डीसी होगा कोई, आपका करिश्मा भी मुबशर जो है ना काम आता है। मेरा तो अल्लाह का करम है कि उन्होंने थोड़ी गड्डी दी, उन्होंने कहा फोन खड़काओ तो पूछो कि तेरे को 4 गड्डियां।